धोराजी नगर के जूनागढ़ रोड पर स्थित धोरिया नागबापा मंदिर पर आज नागपंचमी को मनाने के भागरूप स्थानिक लोगों द्वारा पूजन किया गया। धोराजी नगर के जूनागढ़ रोड पर स्थित धोरिया नागबापा मंदिर पर आज नागपंचमी पर्व को मनाने के भागरूप गांव लोगों द्वारा मंदिर पर विशेष पूजन अर्चन किया गया। जाहिर सी बात है कि सावन माह की पंचमी नागपंचमी को मनाने के भागरूप इसका विशेष महिमा रहा है, जहां आज धोरिया नागबापा मंदिर पर भारी तादाद में श्रद्धालु लोगों द्वारा मंदिर पर आगमन करने के साथ पूजन किया गया। यहां पर स्थित वैसी वाव को धोरिया वाव तथा श्रद्धालु लोगों द्वारा नागबापा मंदिर के बारे में विशेष जानकारी देने के साथ इसके महिमा और इसके श्रद्धा के बारे में जानकारी दी गई थी। तो वहीं सालों से स्थानिक लोगों द्वारा धोरिया नागबापा मंदिर पर स्थित सालों पुराने महिमा और धार्मिक कथा के अनुसार यहां पर हर नागपंचमी के दिन भगवान का पूजन अर्चन करते हुए श्रद्धा के साथ अपनी मनोकामना की प्रार्थना की जाती है। जय माता जी, जय मोगल। हूँ विजयभाई गढ़वी, धोराजी, राजकोट जिलो धोराजी। अत्यारे हूँ अहीं नागपंचमीनो पर्व होय ए माटे धोरिया दादा अहीं बहु जूनू पुराणू मंदिर छे धोरिया दादानू, त्यां हूँ अवारनवार दर्शन करवा आवतो होउं छुं। पण बहु आ दादाना साथ सहकार मळे एवा प्रचार पण छे ने आ मंदिर धोरिया दादानू ऐतिहासिक मंदिर छे। वर्षो पहेला ज्यारे राजाशाही हती त्यारे अहीं चारण लोग एट्ले कि गढ़वी लोग अहीं वसता था, ए लोग ने राजाशाही वक्त में एमने कोई तकलीफ हो लोग गाम छोड़ी अने अहीं बहार एने वसवाट करेलो। एमांथी धोरीबाई नामना चारण था, ए लोग અહીં વસવાટ કરેલ, એમણે જ અહીં પોતાનો દેહનો ત્યાગ કરેલ છે અને આ ધોરિયા દાદાના નામ ઉપરથી ગામ ધોરાજીનું નામ પણ એમના ઉપરથી જ પડેલું છે। આમનો ઇતિહાસ તો ઘણો જૂનો છે, મને બહુ જાદી ખ્યાલ નથી, પણ ફરી આપણે ક્યારેય મળશું ત્યારે આમનો ચોક્કસ ઇતિહાસ જાણીશું।